नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24। आ रही बड़ी खबर ललितपुर से है। दरिंदगी का मंजर बेहद खौफनाक था। सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, लेकिन हैवान अपनी हैवानियत से बाज नहीं आते। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया जहां ललितपुर में 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और ये हैवानियत का आरोप किसी और पर नहीं, रिश्ते में लगने वाले मामा पर लगा है। किशोरी का शव मुंह और गले में कपड़े से बंधा हुआ गांव में मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरा मामला ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।